यू इन द बेस्ट क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 3 जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स। तो देखते हैं हम इस चैप्टर में कौन कौन से नंबर्स का यूज करने जा रहे हैं, हम उन सबको एक बार बहुत अच्छी तरह समझते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट नंबर है, मैंने यहाँ पर फर्स्ट टॉपिक लिखा है नेचुरल नंबर्स का। स्टूडेंट आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं जो सभी काउंटिंग नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स होते हैं। और काउंटिंग नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? काउंटिंग नंबर तो 1 से स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स नेचुरल नंबर्स होते हैं। हम सबको इस बारे में पता होना चाहिए। इसके बाद इससे पहले हमने एक चैप्टर पढ़ा है जिसका नाम है होल नंबर्स। तो होल नंबर्स में हमने पढ़ा था जो होल नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। इट मीन्स अगर हमारा नंबर कोई 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, ये सभी नंबर्स होल नंबर्स होते हैं। इसका मतलब हमें क्लियर हो जाना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सभी नंबर नेचुरल नंबर्स हैं। और इसके बाद अगर 0 से कोई नंबर स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो ये होल नंबर्स है। तो ये हमारे दोनों टॉपिक क्लियर हो जाने चाहिए। इसके बाद देखते हैं प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। स्टूडेंट में आप सबको बताना चाहूंगा, हमारे पास ऐसे नंबर्स जो केवल अपनी टेबल से ही डिवाइड हो, हम उनको प्राइम नंबर्स कहते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। देखिए हमारे पास बहुत सारे नंबर्स हैं, जैसे पहला नंबर है 2, ये केवल अपनी टेबल में ही आता है, अपने नंबर से ही कटता है। आपको देखेंगे भी 2 की टेबल में ही मिलेगा आपको 2, 1, 2। और इसके बाद हमारे पास 3, ये 3 भी एक प्राइम नंबर है। इसके बाद 4 प्राइम नहीं है क्योंकि 4 एक कंपोजिट नंबर है। 4 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। तो इसलिए हमारे पास जो प्राइम नंबर्स है वो है 2, 3 और फिर उसके बाद आता है 5, 6 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 प्राइम नंबर है, इसके बाद 13 प्राइम नंबर है और फिर 17 और फिर उसके बाद 19। और प्राइम नंबर्स आपको बहुत सारे मिलेंगे। आपको ऐसे नंबर सेलेक्ट करने हैं जो केवल अपनी टेबल में ही आते हैं, हम उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहते हैं। तो बहुत ही क्लियर आपको हो गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो प्राइम नहीं होते। तो यहां पर हम लिख दें कि अदर देन प्राइम। इसका मतलब हमारे पास जो काउंटिंग चल रही है वहां नंबर कहां से स्टार्ट है, 1 से। तो 2 हमारे पास प्राइम है, 3 हमारे पास प्राइम है, तो इसके बीच में एक नंबर बचा है 4। तो 4 कैसा नंबर होना चाहिए? 4 नंबर होगा कंपोजिट नंबर। 5 प्राइम है तो 6 कैसा होगा? ये भी कंपोजिट नंबर होगा। इसके बाद 7 प्राइम है तो 8 कैसा होगा? 8 कंपोजिट होगा। 9 भी कंपोजिट होगा, 10 भी कंपोजिट होगा। तो आप सबको एक बात क्लियर हो गई होगी, जो प्राइम नंबर्स हैं वो प्राइम है और जो प्राइम नहीं है वो कंपोजिट है। इसका मतलब जो अपनी टेबल में ही आते हैं उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं और इसके अलावा जो नंबर्स होते हैं वो कंपोजिट होते हैं। लेकिन स्टूडेंट एक बात और है जो नोट करनी है आपको, अपनी नोटबुक में भी नोट करनी है, वो क्या है? वो ये है कि हमारे पास एक नंबर है 1। 1 इज नॉट ए प्राइम, नॉट ए कंपोजिट। 1 एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। तो आपको ये नंबर सिस्टम में ये नंबर क्लियर हो गए होंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा है नेचुरल, होल, प्राइम एंड कंपोजिट। इसके बाद हम पढ़ रहे हैं इवन नंबर्स। ये भी आप सबने अपनी लास्ट ईयर की क्लासेज में पढ़ा होगा कि जो इवन नंबर्स होता है वो क्या होता है। इवन नंबर वो नंबर होता है जो 2 से डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब हमारे पास जो इवन नंबर्स होते हैं वो 2, 4, 6, 8, 10 और इसके बाद 12, 14 एंड सो ऑन। इसका मतलब ये हुआ जिसके लास्ट में अगर हमारे पास कोई डिजिट है जो बड़ी डिजिट है तो उसके लास्ट में जो डिजिट आ जाए वो कौन कौन सी, जैसे कि 0, 2, 4, 6, 8। तो ये सभी नंबर अगर लास्ट डिजिट उनकी 0, 2, 4, 6, 8 है तो उसका मतलब वो सभी नंबर्स इवन नंबर है क्योंकि ये सभी नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद हमारा लास्ट नंबर है ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स एक ऐसे नंबर होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं। इसका मतलब हमारे पास अगर हम इसके एग्जाम्पल देखें तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये सभी नंबर्स कैसे हैं? ये सभी नंबर्स ऑड नंबर्स होते हैं और ऑड नंबर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए अगर आपके पास कोई बड़ा नंबर आ जाता है तो आप उसको देखते हैं जो लास्ट की डिजिट्स होती हैं। अगर उसके लास्ट में 1 है, 3 है, 5 है, 7 है,
या 9 है, तो हम उन नंबर्स को क्या कहेंगे, उन नंबर्स को हम कहेंगे ऑड नंबर्स। तो आपको ये क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि आगे हमारे इस एक्सरसाइज में और क्या क्या करना है। तो स्टूडेंट अपने नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जिसका नाम है फैक्टर्स। ये फैक्टर्स क्या होते हैं, पहले इसकी डेफिनेशन समझते हैं, फिर इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं फैक्टर्स क्या होते हैं। तो हमारे पास इसकी जो डेफिनेशन है उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, एक नंबर, ए नंबर दैट डिवाइड्स अनदर नंबर कंप्लीटली। जब एक नंबर दूसरे से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए तो हम उसको इसका फैक्टर कहते हैं। तो यहां पर हम इसकी डेफिनेशन तो हमने समझ ली है, अब समझते हैं इसके एक एग्जाम्पल के थ्रू की फैक्टर्स होता क्या है। तो मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल ले लिया है फैक्टर्स ऑफ 24। फैक्टर्स ऑफ 24 हम फाइंड कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि अगर यहां पर हम 24 का जिस नंबर से डिवाइड करें और हमारे पास उसका रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो सभी उसके फैक्टर्स होंगे। तो आप सबको ये बात क्लियर होनी चाहिए कि 24 डेफिनेटली 1 से तो डिवाइड हो ही जाता है, क्योंकि 1 तो सभी नंबर्स का फैक्टर होता है, 1 तो सभी का फैक्टर होता है। इसके बाद 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है 3 8 24 होता है। और कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है, ये 4 से भी डिवाइड हो सकता है और 6 से भी डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा ये 12 से भी डिवाइड हो जाता है और डेफिनेटली 24 से तो होना ही चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है जो 2 फैक्टर्स होते हैं वो तो डेफिनेटली फिक्स होते हैं। वो फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 1 एंड इटसेल्फ, मतलब 24 के फैक्टर हम देख रहे हैं तो 1 और 24 तो डेफिनेटली होंगे ही। और कौन कौन से फैक्टर होते हैं वो आपको चेक करना पड़ता है। तो अभी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा है कि फैक्टर्स क्या होते हैं। उसके बाद हमारा सेकेंड पार्ट है मल्टीपल्स। ये मल्टीपल्स क्या होते हैं, तो मल्टीपल की डेफिनेशन पहले समझते हैं। मल्टीपल इज द प्रोडक्ट रिजल्ट ऑफ वन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अनदर नंबर। तो जब हम किसी भी नंबर के मल्टीपल्स फाइंड करते हैं तो हम उसका मल्टीप्लाई करते हैं और प्रोडक्ट रिजल्ट जो आता है वही उसका मल्टीपल होता है। तो उसको भी एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके पास कहा गया मल्टीपल्स ऑफ 8 बताइए, सपोज हमारे पास कहा जाए कि 5 मल्टीपल्स ऑफ 8 बताइए, तो आपको क्या करना होगा, बहुत सिंपल है। मल्टीपल्स 8 का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 16 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो आपके पास 24 आ जाएगा, और 8 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 32 आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई अगर 5 से करेंगे तो हमारे पास 40 आ जाएगा। इसका मतलब जैसे हम मल्टीप्लाई करते जाते हैं तो हमारे पास जो वैल्यूज आती हैं वो सभी मल्टीपल्स होंगी, किसकी, वो सभी मल्टीपल्स होंगी 8 की। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। तो हमारे से जितने भी मल्टीपल्स पूछे जाए तो हम वो सभी नंबर्स बता सकते हैं, हम किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एनी नंबर से मल्टीप्लाई करके उसके मल्टीपल्स को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का इंट्रोडक्शन है।